अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स और दोस्तों लाइव कोर्ट अपडेट हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी देखिए आप लोगों का पूरा केस क्या है। केस विवरण कोर्ट नंबर 1 में 11 नंबर पर चल रहा है और दोस्तों फॉर ऑर्डर, ठीक है दोस्तों। कोर्ट नंबर 1 में आप लोग के कौन जज साहब आपका देख रहे हैं, एक जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल जी हैं दोस्तों, और दूसरे हैं आपके जसप्रीत सिंह जी। तो दोस्तों हमारा क्या है, पूरा केस नंबर SPLA 156/2019, ठीक है दोस्तों। कोर्ट आपकी बैठ चुकी थी जैसा आपको पता है, अभी फ्रेश केस सुने जा रहे थे और आज कुल 23 फ्रेश केसेस हैं। 23 केस के बाद दोस्तों आप लोग का केस सुना जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आपका 25वां संशोधन भी शिक्षा मित्रों ने करवा लिया है टैग इस पर। अब दोस्तों 25वां संशोधन हुआ 145/48 आकाश पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से टैग कोर्ट नंबर 1 में हुआ ट्रांसफर। और दोस्तों आप लोग को जो राज्य सरकार के स्पेशल अपील में 25वें संशोधन की याचिका भी हुई टैग। अब दोस्तों आप लोग की डेली कॉल लिस्ट हो चुकी है शुरू। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 69,000 कट ऑफ मैटर केस हुआ पास ओवर, इसे बाकी केस सुनने के बाद टेकअप किया जाएगा। टेकअप का मतलब दोस्तों बस सुनना जाएगा और से सुनवाई शुरू होने के बाद। तो दोस्तों जो आपके अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेगी, तो दोस्तों ये सब आप लोगों का आज शुरू से अभी तक का जो अपडेट से आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग इंतजार करिए और जैसे ही अपडेट्स आप लोग के मतलब कोर्ट आपकी सुनवाई शुरू होती है तो दोस्तों हम लोग पूरी तरीके से लाइव होंगे और हर पल की आपको अपडेट्स मिलेगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोग को लेट ना मिले दोस्तों। और सारा हम लोग एनालाइज करके दोस्तों एक आपके लिए आज दिन भर की एनालाइज वीडियो आएगी, जिसमें आप लोग समझ सकेंगे कि आपकी शिक्षक भर्ती अभी कितने और समय में खत्म होगी और मतलब आप लोग को नौकरी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों फिर मिलते हैं। तो दोस्तों बाकी कुछ और जो आप लोग का देख सकते हैं आप लोग की, जैसा कि आप लोग के जो विज्ञप्ति है उसमें क्या लिखा गया है और कैसे क्या है, तो उसको भी दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा। तो फिलहाल फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। कि अगर आपके 70 से कम गुणांक वाले बच्चों का क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग की फाइनल कट ऑफ 40/45 होती है तो उसके बाद 70 से कम गुणांक वाले बच्चे क्या नौकरी वो बच्चे पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों हम क्या देखेंगे कि किसके पक्ष में आ सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, अब तो कल सुनवाई होने वाली है 2 अगस्त को, तो किसके पक्ष में फैसला आएगा इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो जो फैसला आएगा वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में होगा कि वो BTC और BED के पक्ष में होगा। देखिए दोस्तों ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों ने अपना जो डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ कहिए दोस्तों या एविडेंस कहिए, दोनों पक्षों ने अच्छे तरीके से दिया होगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला मतलब आए वो दोनों पक्षों और योग्यता और सभी जितने भी पैमाने सरकार ने बनाए थे दोस्तों सभी के आधार पर आने चाहिए। अब दोस्तों एक और सवाल आता है कि सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क पर चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे आज की डेट में यही कह रहे हैं कि सर जो कल की सुनवाई हो वो पूरी तरीके से पासिंग मार्क पर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पासिंग मार्क्स या नंबर आने वाले हैं अगर उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, जैसे दोस्तों होता है क्या है कि और बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार चलो जो चर्चा है वो BED पर हो जानी चाहिए। देखिए दोस्तों कभी कभी जो आपके वकील होते हैं ना, जब उनका पक्ष लगता है कि हमारा पक्ष अब कमजोर होता जा रहा है तो वो मामले को घुमाने के लिए इस बात को घुमा देते हैं दोस्तों कि कभी बात BED पर आ जाती है, कभी बात भारांक पर आती है। देखिए दोस्तों जब वो मुद्दा आपका जो है ना मेन पासिंग मार्क, अगर उससे लगता है कि हमारा पक्ष अब कमजोर हो रहा है तो दोस्तों उस मामले को भटका दिया जाता है, जिससे कि आप लोगों ने देखा होगा हमें एक और नई डेट मिल जाती है। तो दोस्तों सभी बच्चों का एक और सवाल आया कल के लिए कि क्या कोई और डेट मिल सकती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा डेफिनेटली यस, आपको एक नई डेट कल देखने को मिलने वाली है। कल आपका दोस्तों कोई फैसला नहीं आएगा, फिलहाल कल खाली डिस्कस होगा, बहस होगी और दोस्तों सरकार के पक्ष और जो आपका शिक्षा मित्रों का पक्ष है दोनों पक्ष दोस्तों अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों डबल बेंच में जो भी मामला दोस्तों आपका धीरे धीरे चलता रहता है आप लोग को पता ही होगा, और दोस्तों हम लोग को पता है कि बस एक और दिन का इंतजार बाकी। जी हाँ दोस्तों, बस आज भर का और इंतजार है, कल हमारी सुनवाई होने वाली है और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि जो फैसला है वो सभी बच्चों के पक्ष में आए, भले वो शिक्षा मित्र हो, भले वो BTC के हो, भले वो BED के हो। तो दोस्तों कुछ ऐसा फैसला है कि जिससे सभी बच्चों को फायदा हो, तो एक दोस्तों एक कट ऑफ ऐसी है जिससे सभी बच्चों को फायदा हो सकता है, वो कट ऑफ है 55 और 60 की। अगर दोस्तों अगर इस कट ऑफ पर आपकी शिक्षक भर्ती होती है तो सभी बच्चों को फायदा मिल सकता है। देखिए होगा क्या, जो आपकी 55 नंबर की कट ऑफ बनेगी ना वो 82 अंक बनेगी और 60 अंक की कट ऑफ दोस्तों ये 90 अंक बनेगी। तो मतलब दोस्तों होता क्या था, इससे पहले अगर आपने यूपी टेट का पेपर, सी टेट का पेपर, कोई भी टेट का पेपर देते दोस्तों जिसका फुल फॉर्म ही होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जो टीचर की योग्यता को चेक करता है दोस्तों वो TET का पेपर होता है, तो उसमें दोस्तों जो हमारी कट ऑफ लगती है
82 और 90 नंबर पासिंग मार्क रखा जाता है, वो भी 150 अंकों का पेपर होता है। तो दोस्तों चीज अगर तरह हम देखा जाए तो जो कल का हमारा पेपर या जो हमारे पेपर हुए हैं दोस्तों से पिछले वर्षों में, तो उसमें हम नए कट ऑफ दोस्तों 55 और 60 रखते, तो एक हम एविडेंस ऑफ प्रूफ की तरह दे सकते थे कि जो हमारा यूपी टेट का या सी टेट का हमारी कट ऑफ लगती है वो कुछ ऐसी रखी जाती है। अब दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि कितने नंबर पर आपको मिल सकती है नौकरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं या एससी और एसटी से, तो कितने नंबर पर आपको नौकरी मिल सकती है। और सभी बच्चों का एक और सवाल आ रहा था कि कल की सुनवाई से पहले एक बार विज्ञप्ति देख लें। जी हाँ दोस्तों, अब कल आपकी सुनवाई होने वाली है, उससे पहले दोस्तों एक बार हम विज्ञप्ति पर नजर डालेंगे कि विज्ञप्ति में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, एक रूल है, आपका पता होगा कि खेल के दौरान कभी नियम बदले नहीं जाते। अगर एक बार आपका खेल शुरू हो जाता है तो जो नियम पहले से बनाया जा चुका होता है दोस्तों, उसी नियम को फॉलो हमें करना होता है, उसमें किसी भी प्रकार का हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपको ये बात पता है कि खेल के दौरान नियम किसी भी तरह मतलब बदले नहीं जा सकते हैं, तो दोस्तों हम इस विज्ञप्ति पर हम इस एक बार डिस्कस करेंगे कि विज्ञप्ति में आखिर लिखा क्या है और विज्ञप्ति के अनुसार कौन सा पक्ष जीत सकता है। क्या वो 40-45 जीतेगा या 60 और 65। देखिए दोस्तों, ये दो पक्ष बहुत बड़े हैं। 40-45 पर अगर नौकरी मिलती है तो देखिए दोनों पक्षों में क्या कॉमन है और क्या दिक्कत है, ये समझिए। अगर दोस्तों 40-45 पर कट ऑफ में अगर नौकरी मिलती है तो कम से कम 30,000 शिक्षा मित्र अधिक नौकरी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 30,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। अगर दोस्तों यही कट ऑफ 60 और 65 लगती है तो बीटीसी और बीएड के बच्चे जो दोनों अगर जोड़ कर मिलाया जाए तो कम से कम इन बच्चों को भी दोस्तों कम से कम नहीं तो 40,000 बच्चों को फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 40,000 दोस्तों ऐसे बच्चे नौकरी पा जाएंगे जिनकी कोई उम्मीद नहीं है आज के दिन नौकरी पाने की, लेकिन वो बच्चे नौकरी पा सकते हैं। लेकिन आपकी कट ऑफ 60 और 65 रखी जाए तो देखिए दोस्तों, कोई बच्चा भले ही आपके सुपर टेट में सुपर टेट के पेपर में 90 नंबर ले आए हो, अगर दोस्तों उनकी एकेडमिक अच्छी नहीं, जैसे 20 नंबर है तो 90 का मतलब दोस्तों होता है 36 अंक का कट ऑफ और या गुणांक आपका, और 20 अंक दोस्तों ऐसे जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 दो 5। तो दोस्तों अगर आप 56 नंबर लाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए तो तकरीबन ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर 60 और 65 कट ऑफ दोस्तों रखी जाती है या पासिंग मार्क, तो एक बार मौका आपका बन सकता है। आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से, एससी या एसटी से, तो दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार जो 69,000 शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें अगर 60 और 65 कट ऑफ लगाई जाती है तो दोस्तों जो बच्चे पास होने वालों संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी दोस्तों। तो आपकी 60 से 70 हजार के बीच ही होने वाली, मतलब टोटल 270,000 बच्चे भी पास नहीं होने वाले। तो अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि कट ऑफ डाउन होनी चाहिए जिससे कि उनको मौका मिले। अगर दोस्तों कट ऑफ डाउन ही नहीं होती तो फिर से उनको नुकसान ही होने वाला 40-45 पर भी, क्योंकि उसमें हर एक बच्चा पास होगा। सिंपल सी बात होगी दोस्तों, जिन बच्चों के नंबर ज्यादा होंगे उनको नौकरी मिल जाएगी और जिन बच्चों के नंबर कम होंगे वो नौकरी से बाहर होंगे। अब दोस्तों विज्ञप्ति एक बार हम आपके सामने पढ़कर दिखा देते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन, साथ साथ ये दोस्तों संख्या यहाँ पर लिखी गई है, दिनांक 1 दिसंबर 2018 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी, यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती के लिए मान्य होगी। देखिए दोस्तों, जो सुपर टेट के पेपर होते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि जो ये पेपर आपका सुपर टेट का आपने दे रखा है, भले ही दोस्तों उसमें आपने 100 अंक क्यों ना प्राप्त कर लियो, जैसे आपका टेट यूपी टेट हो या सी टेट हो दोस्तों, वो 1 से अधिक साल के लिए वैलिड होता है। तो लेकिन दोस्तों सुपर टेट में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक बार पेपर दे लिया तो वो अगले साल भी वैलिड होगा। मतलब सिंपल था दोस्तों कि आपको हर बार सुपर टेट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो नंबर आते हैं दोस्तों उसके आपके 60% अंक आपके पेपर में लिए जाते हैं। तो ये अच्छी खबर होती है कि भाई 60% अगर हमने अच्छा स्कोर कर लिया, जैसे 150 में 130 या 120 अंक, तो जितनी भी आपने पुरानी एकेडमिक आपकी खराब चल रही थी वो आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपकी अपनी एकेडमिक को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आगे चलकर। अगर दोस्तों आपको नौकरी लेना है तो आपको अपनी एकेडमिक अच्छी रखनी होगी। और दोस्तों एक और हम बात करते हैं कि आप लोग को कितने नंबर पर मिल जाएगा नौकरी, चाहे जनरल से, ओबीसी, एससी और एसटी। तो दोस्तों एक बात आपको समझना पड़ेगा, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं आप तो कम से कम आपको कितने अंक चाहिए होगा इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, जनरल कैटेगरी में जो बच्चों की संख्या होती है वो ज्यादा तो होती है,
बहुत ही ज्यादा प्लस प्लस होते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो शिक्षा मित्र और जो भी सीटें खाली रहती है तो दोस्तों जनरल के हिसाब से अलॉट कर दी जाती हैं। तो इतना आसान दोस्तों आने वाले टाइम में आपको जनरल कैटेगरी से नौकरी पाना आसान नहीं होगा। अगर आपकी कट ऑफ दोस्तों 60 और 65 पर रखी जाती है जनरल के लिए पहले बता रहे हैं, तो ये बच्चे 65 से अधिक नंबर पर गुणांक पर नौकरी पा सकते हैं। अगर दोस्तों ये बात ओबीसी से की जाए तो ये 60 से अधिक पर, ठीक है, 60+ नौकरी पर पा जाएंगे। और दोस्तों जो बच्चे आते हैं आपके एससी और एसटी में, ये सिर्फ दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ ये बच्चे पास हो जाएं तो इनको हो सकता है कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। देखिए मेन बात क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 60 और 65 में एससी और एसटी के बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं होने वाली, इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि अगर इसमें ये बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क भी ले आते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी आपकी, ये बात दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी कि 68,500 भर्ती में क्या हुआ। देखिए दोस्तों इसमें 41,000 ही पहले राउंड में बच्चे पास हो पाए या समथिंग समथिंग था, 41,000 बच्चे प्लस थे। तो उसके बाद दोस्तों इतनी ज्यादा सीटें खाली रह जाती है, मतलब कहने का क्या है, जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क भी ले आया वो बच्चे पास हो गए। तो दोस्तों आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लोग सुपर टेट में एक अच्छा स्कोर करें, और वैसे दोस्तों आपने अच्छा स्कोर कर चुके हैं तभी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों कल उम्मीद है कि आप लोग की एक जोरदार बहस आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी विज्ञप्ति में पासिंग मार्क को लेकर एक भी लाइन नहीं लिखी गई है, तो इससे तो आप लोग को टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है और आगे चलकर क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए कल तो किसी ने नहीं देखा कि आगे चलकर क्या होगा, लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कल कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोग की सुनवाई होने वाली है 2 अगस्त। आपके दोस्तों जितने दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 2 अगस्त कब आएगी कब आएगी, और दोस्तों वो आखिरी दिन आ चुका है। और दोस्तों आप लोग की एक अंतिम और एक अगली सुनवाई, अंतिम तो नहीं कहेंगे दोस्तों, एक अगली सुनवाई दोस्तों आप लोग की 19 अगस्त को होनी है। ये दोस्तों आप लोग की सुनवाई आप लोग की इलाहाबाद खंडपीठ के डबल बेंच में होगी, तो वेट करना चाहिए दोस्तों आप लोग को 19 अगस्त का भी, कि 19 अगस्त को सुनवाई में आपको क्या निकल कर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों सुनवाई में स्पेशली वो देखा जाएगा कि जैसे जिन बच्चों का गुणांक ज्यादा बनता है दोस्तों, या जिन बच्चों ने अच्छे नंबर हासिल कर रखे हैं सुपर टेट में, तो उनको दोस्तों मौका देना दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों देखते हैं हम लोग, जैसा लास्ट टाइम देखा कि जो इलाहाबाद आप लोग की खंडपीठ की डबल बेंच चल रही है, वो आप लोग के लखनऊ का जो खंडपीठ या डबल बेंच है उसी के फैसले पर वेट करती है, कि मतलब जो फैसला आपका लखनऊ में दोस्तों सुना जाएगा आएगा, वही फैसला आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट का डबल बेंच दे दिया जाएगा, मतलब डबल बेंच से दोस्तों वही सेम फैसला रिपीट कर दिया जाएगा। तो मतलब साफ है दोस्तों, इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो आप लोग का लखनऊ में होने वाला है कल सुनवाई, वो सबसे ज्यादा बड़ी बात होगी दोस्तों, कि उसमें क्या हो सकता है उसके दोस्तों डिसीजन काफी ज्यादा मैटर करेंगे। और उसी दोस्तों डिसीजन के आधार पर आप लोग के इलाहाबाद खंडपीठ के डबल बेंच ऑर्डर सुनाया जा सकता है। लेकिन देखिए एक चीज और आपको याद रखना होगा कि जो दोस्तों जो पूरा मामला होने वाला है लखनऊ और इलाहाबाद में, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो अंतिम कड़ी आएगी वो सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरना है। ये बात दोस्तों सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल दोस्तों जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ आप लोगों के टेट के आवेदन हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब बहाल कर दिया दोस्तों, कि मतलब हाँ जो बच्चे बीटीसी करने से पहले या बीटीसी पूर्ण होने से पहले जिनका रिजल्ट आ चुका था तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने ऐसा कुछ देखा था सब कुछ, तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि हमने भाई एक बार विज्ञप्ति भी देख ली कि विज्ञप्ति में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और दोस्तों हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर आपका एक बार कोई खेल शुरू हो जाता है तो खेल के दौरान उसमें हम नियम बदल नहीं सकते। अब दोस्तों देखिए दूसरा सवाल था कि किसके पक्ष में आ सकता है फैसला, सिंगल बेंच का फैसला दोस्तों आपके शिक्षा मित्रों के हाथ में है, तो डबल बेंच का दोस्तों जो फैसला आएगा ना वो सरकार पर काफी कुछ डिपेंड्स करने वाला है, कि सरकार आगे चलकर के शिक्षक भर्ती को कैसे कंप्लीट करती है। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में सरकारी मतलब जो पैसा का उसका बिल होता है, फंडिंग होती है, तो वो सरकारी दोस्तों मैनेज करती है कि उसको कैसे उसका पैसा पास कराना है और कैसे आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है पैसा, तो इसमें सरकार का भी एक अहम रोल होता है। अब दोस्तों देखिए कल हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे कि जो आपकी चर्चा वो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क को लेकर हो, कोई अन्य मामले में दोस्तों ये शिक्षक भर्ती भटकनी नहीं चाहिए। कल हमारी दोस्तों पूरी ये कोशिश होगी। और दोस्तों एक और सवाल आपका आया था कि जल्दी से देखते हैं कि क्या कोई और डेट मिल सकती है दोस्तों, जी हाँ डेफिनेटली कल आप लोग जैसे फैसला आएगा ऑर्डर आएगा उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमें एक और नई डेट मिल चुकी है। तो दोस्तों हमारा एक दिन का इंतजार बाकी है, तो दोस्तों चलिए ठीक है कल मिलते हैं। और दोस्तों कल हम लोग लाइव होने वाले, तो सबसे पहले आप लोग की एक खुशखबरी है कि जैसे ही दोस्तों ये सब मामला आएगा तो आपका अपना YouTube चैनल दोस्तों पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे।
लाइव कोर्ट रूम की पूरी लाइव अपडेट। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।